हेलो एंड वेलकम टू सौरव्स क्लासेस। तो मेरा पहले वीडियो पे मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है जो कि कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर से है। तो हमने पहले चार पांच छह वीडियोस कर डाले इसके ऊपर, तो इसके पहले जो सारे क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर दिए। तो आज हम 60 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इन अ टू गुड वर्ल्ड अ कंज्यूमर्स यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय द फॉलोइंग। तो कंज्यूमर का यूटिलिटी फंक्शन क्या है, वो है कि मैक्सिमाइजेशन मैक्स ऑफ एक्स और वाई। तो एक्स और वाई इन दोनों में जो वैल्यू ज़्यादा होगा, जो वैल्यू दूसरे वैल्यू से ज़्यादा बड़ा होगा, वही ये यूटिलिटी फंक्शन में रिटर्न किया जाएगा। सो एक्स आर वाई, एक्स एंड वाई आर द अमाउंट कंज्यूम। तो एक्स है कि जो पहला गुड का कितना क्वांटिटी है, और वाई है कि दूसरा गुड का कितना क्वांटिटी है, वो बोला जा रहा है। और दोनों गुड का, दोनों ही गुड और गुड एक्स और गुड वाई दोनों का ही प्राइस 2 रुपये है, पर यूनिट है। तो दोनों के लिए आपको 2 रुपये देना पड़ेगा। और जो कंज्यूमर है उनका इनकम है 100। तो अभी कंज्यूमर के लिए कौन सा बंडल ऑप्टिमल होगा ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो सारे कंज्यूमर बिहेवियर का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे हमको दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एक यूटिलिटी फंक्शन कि कौन सी वैल्यू में, और एक्स और वाई का कौन सी वैल्यू में ये सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहा है और ये मैक्सिमाइज हो रहा है। और दूसरा हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो बजट कॉन्स्टेंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये हमको दूसरा चीज़ जो ध्यान में रखना पड़ता है। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि 0 यूनिट ऑफ गुड एक्स और 50 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, और 50 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स और 0 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, 50 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 50 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। तो दूसरा ऑप्शन में आप देखिए, अगर हम दोनों ही 50 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स लेते और 50 यूनिट्स ऑफ गुड वाई लेते, देन 2 रुपये करके अगर हम देते तो एक्स के लिए हमारा खर्चा पड़ता है 100, वाई के लिए भी हमारा खर्चा पड़ता है 100। तो हमारा टोटल इनकम हो जाता है और टोटल हमारा जो खर्चा होता है वो होता है 200, पर हमारे पास इनकम कितना है 100। तो ये तो हम कभी नहीं परचेज कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। तो अभी ऑप्शन 25 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 25 यूनिट्स ऑफ वाई, ये हमारा बजट को सेटिस्फाई करता है क्योंकि 25 मल्टीप्लाई 2 और 25 मल्टीप्लाई 2 का 100 निकलता है, तो ये सेटिस्फाई करता है हमारा बजट कॉन्स्टेंट। पर अगर हम ये मैक्सिमाइजेशन फंक्शन पे निकाले तो हमारा यूटिलिटी होता है बस 25, क्योंकि यूटिलिटी ऑफ मैक्स ऑफ 25, 25 उसका वैल्यू होता है 25, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। पर जो हमारा पहला ऑप्शन है वहाँ पे आप देखिए, अगर हम ये लेते हैं कि एक्स 50 है और वाई हमारा 0 है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलता है, तो यूटिलिटी हमारा निकलता है 50। और ये दूसरा ऑप्शन के लिए भी यही होता है, ए का दूसरा ऑप्शन, अगर 50 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स है और 0 यूनिट्स ऑफ गुड वाई है, और अगर 0 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स है और 50 यूनिट्स ऑफ गुड वाई है, दोनों के लिए हमारा यूटिलिटी निकलता है 50। और ये जो हमारा कंडीशन है ये हमारा बजट को भी सेटिस्फाई करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन में हमारा यूटिलिटी 25 होता है, तो यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो 17 का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द कंज्यूमर फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन मीनिंग होता है कि नेसेसरी का मतलब होता है कि अगर ये आउटकम हुआ है तो ये कंडीशन का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इफ़ द आउटकम इज़ देयर सो द कंडीशन विल बी ऑल्सो देयर। और सफिशियंट का मतलब क्या होता है, अगर ये होता है और अगर ये कंडीशन होता है, इफ़ द कंडीशन इज़ देयर, इफ़ द कंडीशन इज़ देयर सो आउटकम विल बी श्योरली देयर। तो अगर हमारा बारिश हुआ है, इफ़ रेन देन श्योरली देयर वॉज क्लाउड, तो ये होता है हमारा सफिशियंट कंडीशन, क्योंकि अगर क्लाउड रहा तो हमारा रेन होगा ही होगा। सो ये सफिशियंट कंडीशन है, अगर क्लाउड है तो रेन है। सो इफ़ क्लाउड देन रेन, सॉरी इफ रेन
देन क्लाउड. अगर बारिश हुआ है तो क्लाउड रहेगा ही रहेगा, तो ये सफिशिएंट कंडीशन है. पर इफ क्लाउड देन रेन, इट इज़ नेसेसरी कंडीशन. बारिश होने के लिए क्लाउड का ज़रूरत पड़ता है, पर अगर क्लाउड है तो ही बारिश होगा ये हम बोल नहीं पाएंगे. सो ये है हमारा सफिशिएंट कंडीशन. और नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब खुद का क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ से हम इसको डिनोट करते हैं. इसका मतलब है कि देयर वॉज क्लाउड एंड रेन, तो बारिश भी हुआ और वहाँ पे बादल भी था. तो ये रहा हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसका मतलब ऐसा होता है. तो अभी हम इसको कंज्यूमर बिहेवियर के लिए कैसे इस्तेमाल करें, ये बहुत ही एक कॉमन कंसेप्ट है सारे इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए. ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो पहला हमारा ऑप्शन है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज़ इक्वल एंड टू द प्राइस रेशियो. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज़ इक्वल टू द प्राइस रेशियो इफ़ ऑल गुड्स आर बीइंग परचेस्ड एट द इक्विलिब्रियम. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज़ इक्वल टू द प्राइस रेशियो प्रोवाइडेड इट इज़ डिमिनिशिंग एंड दिस मार्जिनल यूटिलिटीज आर इक्वल टू द प्राइस रेशियो. तो अगर हम क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलने में हमको क्या समझ में आता है, MRS का मतलब होता है कि MRS का मतलब होता है सपोज दो गुड है Y और X. तो अगर हम X का क्वांटिटी एक यूनिट बढ़ाना चाहते तो हमको कितना वाई सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि हमारा यूटिलिटी पहले जहाँ पे था वहाँ पे ही रहे. तो ये होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब. और ये इक्विलिब्रियम में हमेशा प्राइस रेशियो के साथ इक्वल होता है हमेशा. तो ये पहला कंडीशन है. और दूसरा कंडीशन है कि ये डिमिनिशिंग होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ज़्यादा आपके पास एक्स होगा और ये कमोडिटी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आपको कंटिन्यूसली कम एक्स कमोडिटी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम यूटिलिटी लेवल. इसीलिए ये डिमिनिशिंग भी होता है. तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा. जो हमारा जो 18th का क्वेश्चन है वो है सपोज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज इन टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच ट्यूब बाई वन यूनिट. सो वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन सप्लाई. सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के लिए टूथपेस्ट का जो प्राइस है वो पर ट्यूब में एक रुपया घट गया है, तो इसका इफेक्ट सप्लाई के ऊपर क्या कैसा आएगा. तो ऑब्वियसली अगर हमारा कॉस्ट घटता है पर ट्यूब पे एक रुपये करके, तो जो मैन्युफैक्चर है उसका जो प्रॉफिट है, मैन्युफैक्चर का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा. तो उसका जो सप्लाई करने का जो इंसेंटिव है वो भी बढ़ेगा. सो द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड. ई इज़ द करेक्ट आंसर. सो 19th का क्वेश्चन है हरीज टोटल स्पेंडिंग ऑन ग्रेप्स राइजेस व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹2 per kg टू ₹1 per kg. व्हाट वी कैन से अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ग्रेप्स. सो उसका स्पेंडिंग, हरी का जो स्पेंडिंग है ग्रेप्स के ऊपर, अंगूर के ऊपर, तो उसका जो जब प्राइस घट रहा है कि ₹2 per kg से ₹1 per kg, तभी उसका एक्सपेंडिचर, उसका मतलब है उसका टोटल जो खर्चा है वो हमारा बढ़ रहा है. तो इससे हम उसका प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं. तो हमारा खर्चा मीन्स हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्या है, दैट इज़ इक्वल्स टू प्राइस टाइम क्वांटिटी. तो हमारा जब प्राइस घट रहा है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इतना बढ़ रहा है कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ओनली देन ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है. और ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है. तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. 20 का जो क्वेश्चन है वो है लास्ट ईयर प्रिया बॉट 6 पेयर्स ऑफ शूज व्हेन हर इनकम वाज 40,000 एंड दिस ईयर व्हेन इज हर इनकम इंक्रीज टू 50,000 शी परचेज 10 पेयर्स ऑफ शूज. सो प्रिया ट्रीट शूज एज एन इन्फेरियर गुड, शी ट्रीट शूज एज अ लग्जरी गुड, प्रेफर शूज टू बूट्स, हैज़ प्राइस इलास्टिक डिमांड फॉर शूज एंड हैज़ प्राइस इलास्टिक डिमांड फॉर शूज. सो अभी देखिए कि इसका मतलब है, पहले क्वेश्चन के लिए हमको समझना पड़ेगा कि इन्फीरियर गुड क्या होता है. इन्फीरियर गुड का मतलब ये होता है कि जब इनकम इंक्रीज करता है तो इसका डिमांड डिक्रीज करता है, तभी ये इन्फीरियर गुड होता है. और लग्जरी गुड क्या होता है, लग्जरी गुड्स है कि
जिसका इनकम बढ़ने के साथ साथ जिसका डिमांड भी मोर देन प्रोपोर्शनेट बढ़ता है। तो इसका मतलब ये, पहले ये साम्स के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो जब इनकम 40,000 था तो शूज़ का कंजम्पशन कितना था, 6 यूनिट। जब वो बढ़ के 50,000 हुआ तो शू का कंजम्पशन क्या होना चाहिए बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड, ये रहा। तो उसका मतलब क्या है, 6 × 5 × 4 तो 3 × 2 तो होता है 7.5 यूनिट्स, पर वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 10 यूनिट्स। सो शी इज़ एक्चुअली कंज्यूमिंग मोर देन प्रोपोर्शनेट थिंग, सो शी ट्रीट्स शू एज अ लग्जरी गुड। तो हमने फिर से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, ये सारे जो सब प्रॉब्लम हम इस वीडियो पे सॉल्व किए वो सारे मेजॉरली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो हमको लगता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा छोटा छोटा टेक्निक है जो ऐसे नहीं मिलता है। अगले वीडियो में हम और कुछ अलग तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे, और हम चाहते हैं कि आपको वो भी सारे प्रॉब्लम के आपको बहुत फ़ायदा हो। तो अगली बार तक, थैंक यू।